हर्षिल एक जगह, जरा गौर करिएगा सुनीता जी, हर्षिल झाला, हमारे कृषि मंत्री कहते हैं सुबोध दुनिया जी बहुत अच्छे व्यक्ति, वो कहते हैं क्या कहते हैं नवीन पटियाली जी, हमने कृषि के क्षेत्र में नंबर वन प्रदेश बना दिया, हम गांव गरीब को जोड़ रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए, जो ग्राम प्रधान है समझे कि गांव की पीड़ा क्या है। तो उन्होंने बताया हमें कि हर्षिल में झाला एक जगह है, झाला, झाला में कोल्ड स्टोरेज जून से बंद पड़ा है, कोल्ड स्टोरेज जून से बंद पड़ा है, उन्होंने बताया कि कोल्ड स्टोरेज जून से बंद पड़ा है। अब आगे सुनिए, उन्होंने बताया कि हर्षिल का राजमा, हर्षिल में राजमा बहुत फेमस है, हर्षिल का राजमा जो है, जो वर्ल्ड क्लास राजमा है, वो अमेज़न पे किसी और जगह का कोई और बेच रहा है। अब आगे सुनिए, हर्षिल में सेब, हर्षिल का सेब जो है उसकी अपनी एक खासियत है, लेकिन हर्षिल का सेब जो है हिमाचल की पेटियों में जा रहा है, ये आप सब जानते हैं। अब आगे सुनिए, हमने लोगों को जोड़ने की जब कोशिश की, वहां पर हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं ना, वहां सिग्नल तक नहीं मिल पाते, हमने चार लोगों से कनेक्ट किया तब जाके एक लोग आया, सिग्नल नहीं मिल पाते, ऑनलाइन पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है मैडम, नवीन जी मैं पहाड़ की पीड़ा बता रहा हूं, और ये मुहिम हमारी अभी आगे जारी रहेगी, ये मुहिम और ये प्रण है, हम तो गांव गांव तक जाएंगे मैडम। अब मेरी बात सुनिए, देहरादून का बासमती, बासमती कहां, अमेज़न पे, हर्षिल का सेब कहां, अमेज़न पे। अब ये हर्षिल का राजमा कहां, अमेज़न पे। मैं ये कह रहा हूं कि मैडम कहां किया हमने पहाड़ का विकास, हमने तो कहा कि पहाड़ का विकास करेंगे, पहाड़ के नेता मैं आपको नाम देकर बताता हूं कि पहाड़ की विधानसभा छोड़ के मैदान पे आके चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे मेरा देश और मेरा गांव, मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बोलिए प्लीज, कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल तिलक भाई, ये बिल्कुल आपने जितनी भी बातें यहाँ पे बोली, ये एक बात छोड़ के जो सेब की आपने बात करी कि हिमाचल की पेटियों में बिक रहा है, अगर पर्टिकुलर कंपनी कोई ऐसा कर रही है तो इस बात का, ये बात हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जो बाकी बातें आपने कही, आप लोग गांव में जाइए, आपको भी कह रहा हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, सुन लीजिए सर, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं ना हम आम आदमी पार्टी, तो मैं बता रहा हूँ, आप लोग यहाँ से प्रवक्ता हैं, जाइए तीन दिन चार दिन उनके साथ गुजारिए, आपको उनकी बिल्कुल योजनाएं है, सुनीता मैडम मैं मान रहा हूँ इस बात को, आप लोगों ने योजनाएं बनाई, एक उदाहरण के तौर पर तमाम योजनाएं, लोगों को यही नहीं मालूम कि उस योजना को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये बात, मैं खुद क्षेत्र में घूम रही हूँ भाई साहब, और जो आपने ये दो तीन बातें रखी कि कनेक्टिविटी नहीं है, ये चीजें हैं, लेकिन मैंने जैसे मेरे पास एयरटेल है, आइडिया है, तो वहां पे कई जगह पे कनेक्टिविटी मुझे नहीं मिली, लेकिन जियो बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसे कई कई जगह के उदाहरण है, लेकिन जो आपने बात कही ना, मेन बात मुझे तो नहीं पता ना, मेरे को तो उस व्यक्ति ने बताया, वही गांव के व्यक्ति ने कि कोल्ड स्टोरेज जो है वो झाला में पिछले जून से बंद है, हम कैसे कृषि में नंबर वन है, हमारा सेब अगर हिमाचल की पेटियों में जा रहा है तो हम कैसे कृषि में नंबर वन है, हम कैसे, नहीं एक दो फैक्टर्स नहीं होते नंबर बनाने के लिए तिलक जी, एक दो फैक्टर्स नहीं होते, बहुत सारे टेक्निक्स आजकल एग्रीकल्चर टेक्निक्स जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत डेवलप हुआ है पहले से, इस बात को आप भी मानते हैं, ये इक्का दुक्का जो चीजें हैं ये बेशक किसी ग्रामीण के अपने मन की बात आपको बताई और बताया वो ठीक बात, हम उस पे काम करेंगे और चीजें ऐसी ना हो, लेकिन अमेज़न की आपने बात करी, हम रोज ये कार्यक्रम करेंगे, हमारी एक मुहिम है, ताकि ये पीड़ा आप बात सुनिए, देखिए मैं हर प्रवक्ता को रोज बताऊंगा, ये तो चर्चाएं चलती रहेंगी सियासी बहस में, ये पहाड़ की पीड़ा मैं सच में, अब हमारी मुहिम है, हमारा प्रण है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का, कि हम उत्तराखंड के पहाड़ की पीड़ा आप तक पहुंचाएंगे जो नहीं पहुंच रही है। नवीन पटियाली जी बोलिए बाबा जी। मैं चावला साहब, आप देखते हैं कि हमने सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री के चेहरे को उत्तराखंड में घोषित किया था और सुदूर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में क्षेत्र से उनको लड़ाने का निर्णय लेकर उनकी घोषणा करके हमने अपने इरादे तो जता दिए हैं कि हम पहाड़ के प्रति कितने संजीदा हैं। दूसरी बात आप कह रहे हैं जो हर्षिल का सेब और राजमा की आपने बात की,
वो इन सरकारों की अदूरदृष्टता और कमी रही कि हमारे उत्तराखंड की कभी ब्रांडिंग उस लेवल पर नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। और आज अमेजोन या दूसरी जो ऑनलाइन कंपनियां हैं वो हमारे राजमा को लेकर उसको महंगे रेट पर बेच रही है और हमारे किसानों को कुछ नहीं मिल रहा। अगर हमारी सरकार ने उनका उनकी मंडी बना दी होती और कोल्ड स्टोरेज की बात आप कर रहे हैं जो जून से जुलाई से बंद पड़े हैं उनके सुचारू रूप से आप चलाते तो शायद ये नौबत नहीं आती। ये एक उत्तराखंड के ये मुद्दे हैं नवीन भाई, नवीन भाई यही मुद्दे हैं, इन पर चुनाव लड़िए आप, इन पर चुनाव लड़िए। अब तिलक जी मैं आऊं आपकी बात पे, खुले हैं तमाम उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स उनमें भी बिकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर कस्टमर अगर चाहता है कि वो अमेजोन के माध्यम से ऑनलाइन अपनी बिक्री करे तो उसके हाथ पांव नहीं बांधे गए हैं। पहली बात अच्छी बात है, लेकिन आप बताइए कि हमने हर ब्लॉक में ग्राम्य विकास स्टोर खोले हैं कि नहीं खोले हैं, हर ब्लॉक में नहीं है ना, तमाम प्रकार के हमारे जो पहाड़ी प्रोडक्ट है वो जिला स्टोर में मिलते हैं और वो प्रत्येक जगह पे शहर शहर में खुले हुए हैं। समझाना नवीन जी, नवीन एक बात सुनिए, मैं तो समझाना चाह रहा हूँ गैर सैन राजधानी क्यों, उसके पीछे की पीड़ा ये इंद्रमणि बड़ोनी जी को याद करिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमने ये पीड़ा समझी और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, ये हमारे ही प्रयास है और आगे जितनी भी चीजें आ रही हैं उनमें भी सुधार हो रहा है, उनमें भी चीजें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इन्होंने 5.5 साल में सारे सत्र जो है वो यहाँ पे देहरादून में किए, आप अच्छी तरह से ये बातें जानते हैं कि हमने सत्र ग्रीष्मकालीन में गैरसैंण में ही चलाए और तमाम कांग्रेस के विरोध के बाद भी हमने चलाए, जबकि कांग्रेस के कुछ विधायक तो देहरादून में पहुंच गए थे सत्र के दौरान। अब ये हर बात का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि ये आना ही नहीं चाहते सत्र में। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ सुनीता जी, मैंने वो दौर भी देखा है 2013 का 13-14 का जब बोगड़ा जी विधानसभा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करके गैरसैंण लेकर, तब आप विपक्ष में थे। अब मुझसे मत बुलवाइए, उससे ज्यादा मुझसे मत बुलवाइए क्योंकि वो आज आपके साथ खड़े, बहुत दिक्कत। नवीन प्रत्याली जी प्लीज कंटिन्यू जल्दी। चालू साहब मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने कुछ महीने पहले ये बात कही थी कि हर्षिल का सेब आज जो श्रीनगर से अच्छी क्वालिटी का है हिमाचल के टैग पर बिक रहा है, वहां की राजमा इसमें बिक रही है और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनकी ब्रांडिंग प्रॉपर सरकार नहीं कर पाई। तो उसके एक हफ्ते बाद सरकार ने ये ऐलान किया, ये घोषणा की कि हम उत्तराखंड की ब्रांडिंग करेंगे, उत्पादों की ब्रांडिंग करेंगे। ये कुछ महीने पहले की बात है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, मैं डिबेट में था एक चैनल के जिसमें हमने ये बात कही, लगातार बात कही एक हफ्ते तक कि हर्षिल का सेब हिमाचल के टैग पर क्यों हो रहा है। और उसके बाद आपकी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक घोषणा की थी, आपको याद नहीं होगा सुनीता जी, कि हम उत्तराखंड की ब्रांडिंग करेंगे। तो उत्तराखंड की ब्रांडिंग की बात हमने कही, अब आपके पास एक डेढ़ महीने का समय अगर है तो कुछ उसमें भी कर दो, ब्रांडिंग भी कर दो, करोगे कैसे मंडिया डेवलप करेंगे। आपका पक्ष रखने के लिए आपने ये बातें कह दी, मैं इनका विरोध नहीं करूंगी, आपकी अपनी पार्टी में भी साख बनी हुई है, मैं उसको मेंटेन रखूंगी। आपने कहा हमने मान लिया, आपको साधुवाद है ना। अब आगे आप पार्टी के पास और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे आप सलाह दे सकते हैं, जिन पे आप काम कर सकते हैं, जिन पे आप खड़े हो सकते हैं पार्टी के साथ, लेकिन आपको वो काम नहीं करने हैं। आपका रिमोट कंट्रोल चलता है दिल्ली से, दिल्ली से जैसा कहा जाएगा आप वही यहाँ पे बात करेंगे। आप मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिए नवीन भाई, क्या उत्तराखंड प्रदेश जो है बिजली के बिल को बियर कर सकता है कर्जों के साथ? क्या पानी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक राजधानी की बात कर रहे हैं? दिल्ली की जरूरत है आध्यात्मिक राजधानी बनाने की भाई। जो हमारा कार्यक्रम है उसके पीछे का मकसद यही है। लेकिन मैं आपके कार्यक्रम को बहुत साधुवाद और आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने इतनी अच्छी मुहिम चलाई है। और आप पत्रकार हैं, मैंने कहा कि जो चौथा स्तंभ है वो आज इतना जागरूक है कि हम लोगों को मजबूर करने के लिए जो आपका ये प्रयास है ये सराहनीय है और हम भी चाहेंगे कि हम आपके इस अभियान में भी सहयोग करें। और हमारे तो, मैं आपको बलूनी जी की बात करूं, आज माननीय अनिल बलूनी जी का जन्मदिन भी है, वो लगातार पहाड़ों की पीड़ा में हमेशा शामिल रहते हैं और उन्होंने मेरा गाँव अपनों उतना खंड अपने अपना गांव अपना वोट करके तमाम उन्होंने अभियान चलाए और सक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन जो आपने बात कही वो भी सत्य है, कनेक्टिविटी की दिक्कत है कई जगह पे हमारे पुलों की दिक्कत है। इन तमाम सारी चीजों पे कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी और आने वाले समय में भी चुनाव 22 हम जीतेंगे और ये सारे कार्य हम करेंगे। सुनीता मैडम, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मैं उस विषय में, हर किसी की अपनी स्थान की एक अपनी आइडियोलॉजी सोच है नजरिया है, हमारे विचार हमारी सोच क्या है, हम टीआरपी की दौड़ में नहीं भाग, हम बेरोजगारी
शिक्षा, पहाड़ की पीड़ा, पहाड़ के मुद्दे, गांव की सोच, गांव का नजरिया, पलायन क्यों हो रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है। आपने बलोनी जी का जिक्र किया, इसलिए आपको कह रहा हूं, आपको आज बहुत अच्छी बात है उनका जन्म, तो आपसे मैं ये कह रहा हूं, इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं दावे के साथ, क्योंकि बलोनी जी से पूछेगा, ये टीआरपी की होड़ में कभी तिलक चावला नहीं भागा, नहीं बलोनी जी भी कभी नहीं भागे, बलोनी जी कभी नहीं भागे, 2011 से बता रहा हूं जी, मैं आपको उसी व्यक्तित्व की आपने जिक्र किया 2011 से, वो आपको बता देंगे। अगर मेरे को टीआरपी की होड़ में भागना होता तो आज हम भी हिंदू मुसलमान अब्बा जान भाई जान करते, ये हम लोगों की सोच नजरिया है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो इंटेलेक्चुअल विंग है,